Media has to keep that in mind, that when you report these stories, remember that you are only getting the negative stories, that the positive stories are never coming to you. लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाओगे ना, अभी धीरे धीरे बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, लेकिन मुझे मदद मिली और मैं सेव हो गया. लेकिन उसमें कोई सेंसेशनल है नहीं ना, आदमी बच गया उसमें, आपको लगता है इसमें क्या बताना है, मर गया तो कुछ बताने जैसा है. सो द प्रॉब्लम इन मीडिया ऑल्सो फोकस इज ऑन द सेंसेशनल बिट, नॉट ऑन द पॉजिटिव बिट. देर आर सो मेनी ग्रुप्स, सुइसाइड प्रिवेंशन ग्रुप्स नाउ विच आर टॉकिंग अबाउट देयर ओन स्टोरीज, कि हमने कैसे, मैं कैसे खुद को सपोर्ट कर सका, मैंने दोस्त को कैसे सपोर्ट किया, कैसे सुइसाइड नहीं हुई. लेकिन ये सब रिपोर्ट होता ही नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ सेंसेशनल नहीं है, मज़ा नहीं आता है ना उसमें रिपोर्ट करने में, क्या हो गया, अरे आदमी बच गया तो क्या रिपोर्ट. यू नो व्हाट आर द पोटेंशियल कॉजेज ऑफ सुइसाइड एंड व्हाट कैन वी डू इन टर्म्स ऑफ एक्शंस टू रिड्यूस सुइसाइड्स. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वांटेड टू क्लैरिफाई टू एवरीबडी इज दैट, यू नो एवरीवन अज्यूम्स दैट इफ समबडी डाइज बाय सुइसाइड तो वो डिप्रेस था. वो तो इमीडिएट रिस्पांस क्या रहता है, किसी को भी आप पूछो डिप्रेशन, हाँ बोले डिप्रेशन है. लेकिन हमारे देश में डिप्रेशन ये सुइसाइड की वजह प्रोबेबली 50% ऑफ द केसेस में रहती है, बाकी के 50% ऑफ केसेस में उनको शायद मेंटल इलनेस कोई होता भी नहीं है. तो हम अगर सुइसाइड प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो मेंटल इलनेस की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, डिप्रेशन की ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना ऑफकोर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि 50% लोगों को तो डिप्रेशन शायद रहता है जिसकी वजह से सुइसाइड होता है. और बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं जो सुइसाइड प्रिवेंशन के लिए हम कर सकते हैं. कैसा है ना कि सुइसाइड प्रिवेंट करने के लिए हर एक ग्रुप में आपको अलग चीज़ करनी पड़ेगी. मैं क्या कह रहा हूँ, हर एक ग्रुप मतलब अगर आपको स्टूडेंट्स में सुइसाइड कम करना है तो आपको उसके लिए कुछ और चीज़ें करनी पड़ेगी. अगर आपको फार्मर्स का सुइसाइड कम करना है तो आपको अलग चीज़ें करनी पड़ेगी. अगर आपको विमेन सुइसाइड कम करना है तो आपको अलग चीज़ें करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल जैसे यंग औरतों में डोमेस्टिक वायलेंस एज अ कॉज ऑफ सुइसाइड इज़ अ वेरी कॉमन रीज़न. ओके, सो अगर हमको वो रिड्यूस करना है तो डोमेस्टिक वायलेंस के प्रिवेंशन प्रोग्राम्स में हमको सुइसाइड प्रिवेंशन भी इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है. अगर हम फार्मर्स की बात करते हैं तो एक्सेस टू पेस्टिसाइड्स बहुत कॉमन रहता है उनको, उनके हाथ काम के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ ही करना पड़ता है उनको, तो रिड्यूसिंग एंड पेस्टिसाइड्स आर वेरी लीथल, मतलब आप छोटा सा क्वांटिटी भी ले लो तो आप मर जाओगे. तो सो बिकॉज पेस्टिसाइड्स आर लीथल एंड बिकॉज दैट इज देयर, सो रिड्यूसिंग एक्सेस टू पेस्टिसाइड्स अमंग दोज फार्मर्स फॉर एग्जाम्पल कैन बी अ वेरी गुड वे ऑफ रिड्यूसिंग सुइसाइड. आपको स्टूडेंट सुइसाइड्स कम करनी है तो हमको देखना पड़ेगा कि हम एजुकेशन सेक्टर में क्या कर सकते हैं जिससे सुइसाइड्स कम होगी. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, 2020 में हमारे देश में जब कोविड की लॉकडाउन हो रही थी तभी सब एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गई थी, पता है आपको, कॉलेज स्कूल सब बंद थे, सब एग्ज़ाम कैंसिल हो गए. तो 2020 में आप सुइसाइड का डेटा देखो हमारे बच्चों में, 2020 में सुइसाइड के डेटा में अगर आप देखोगे अंडर 18 की सुइसाइड्स, अंडर 18 एज ऑफ 18 सुइसाइड्स ड्यू टू एग्जाम फेलियर वेंट डाउन बाय 28%, 28% से कम हो गई. क्यों कम हो गई, क्योंकि एग्जाम्स हो नहीं रहे थे, एग्जाम्स वर नॉट बीइंग हेल्ड. सो क्लियरली द एजुकेशन सेक्टर कैन सर्टनली डू समथिंग टू रिड्यूस दी सुइसाइड्स अमंग यंग पीपल, बट एट द सेम टाइम सुइसाइड्स अमंग अंडर 18 2020 में 20% से बढ़ी थी. क्यों बढ़ी थी, क्योंकि द लार्जेस्ट कॉज ऑफ सुइसाइड्स अमंग चिल्ड्रन इज एक्चुअली फैमिली रीजंस. और अगर कॉलेज और स्कूल बंद है और माँ बाप दिन भर घर में उनके साथ है और वो भी दिन भर वहीं पे है, तो फैमिली रीजंस अगर सुइसाइड की वजह है तो वो बढ़ने वाली है. सो वी हैव टू एड्रेस एट वेरियस लेवल्स इन डिफरेंट ग्रुप्स. ऐसा एक कोई सॉल्यूशन नहीं है कि वो सबको लगा दो सबको काम कर देगा. तो हर एक ग्रुप के लिए अलग सुइसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी करनी पड़ेगी और अलग हर एक रीजन में अलग होना चाहिए. जैसे आप देखोगे कि ओडिशा की सुइसाइड की प्रोफाइल महाराष्ट्र के सुइसाइड की प्रोफाइल से या केरला की सुइसाइड प्रोफाइल से अलग हो सकती है. तो ओडिशा में सुइसाइड्स कम करने के लिए ओडिशा की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो ओडिशा के प्रॉब्लम को एड्रेस करे. आप समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि जैसे कि चिल्ड्रन सुइसाइड, ओडिशा इज सेकेंड इन द कंट्री ऑन चिल्ड्रन सुइसाइड, तो दैट शुड बी अ प्रायोरिटी फॉर ओडिशा. ओडिशा में सुइसाइड प्रिवेंशन अमंग यंग पीपल शुड बी अ प्रायोरिटी, ताकि तो फिर ओडिशा की सुइसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी में उसको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, एजुकेशन सेक्टर को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है. सो
हर एक स्टेट को हर एक रीजन में हमको किस पे ज़्यादा भार देना है ये अलग रहेगा डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन दैट पार्ट ऑफ द कंट्री. आप समझ रहे हो मेरी बात? आपका आपके सवाल का जवाब मिल गया आपको? सी इट्स नॉट ऑलवेज वेरी सडन. जैसे रिसर्च में हमको पता है कि बहुत बार जब लोग सुइसाइड करते हैं तो उसके हफ्ते भर पहले, 15 दिन पहले, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं, बहुत सारे लोगों से ऐसे बात होती है जहाँ पे वो कुछ हिंट्स देते हैं कि मुझे सुइसाइड करने की इच्छा है, या कुछ जैसे कहेंगे कि जीने में कोई मतलब नहीं है, या फिर कोई जाके ना अपनी सब चीज़ें जो रहता है जिसको हम कहते हैं लास्ट एक्ट, जैसे जाके दोस्त को मिला, उसको कुछ चीज़ दे दी, या फिर अपना विल लिख दिया. दीज आर ऑल हिंट्स एंड कि कोई ऐसे सोच भी रहा है. सो इनफैक्ट हम जो आज प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम जिसको गेट कीपर ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं, जो हम स्कूल टीचर्स के साथ भी करते हैं, ये यही है कि हाँ, इट इज़ नॉट सडन. सो हाउ डू यू आइडेंटिफाई समबडी माइट बी एट रिस्क, और फिर वंस यू आइडेंटिफाई वॉट यू शुड डू अबाउट दैट. तो इसका ही ट्रेनिंग हम करते हैं जिसके गेट कीपर ट्रेनिंग प्रोग्राम कहते हैं. यू नो, नॉर्मल रिस्पॉन्स हमारे सोसाइटी में क्या रहता है? कोई बोलता है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सोचता हूँ जीने में कोई मतलब नहीं है, तो हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स क्या कहता है? अरे ऐसी बात मत कर, तेरे को बीवी बच्चे हैं. ऐसे बोलने से कोई फायदा नहीं होने वाला, यू नो. तो इनफैक्ट दिस इज द वर्स्ट अनहेल्पफुल थिंग यू कैन डू व्हेन समबडी सेज ना आई डोंट फील लाइक लिविंग, और यार जीने में मतलब नहीं है, या मुझे परेशानी है. तो उसको झटकारने से मोर इम्पॉर्टेंट है कि आप उनसे बैठ के बात करो, बोलो क्यों नहीं लग रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी सुन सकता हूँ क्या. बहुत बार आपको कुछ करना भी नहीं रहता है, बस आप बैठ के आधा घंटा उसको दो, उसकी पूरी बात सुन लो ना, वो कहेगा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो जस्ट लिसनिंग पीपल. आफ्टर ऑल सुइसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइंस क्या करते हैं? सुइसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन में कोई उनकी बात सुन रहा है उतना ही करता है. वो फ़ोन पे जो दूसरे बाजू बैठा है वो कुछ कर तो नहीं सकता, और वो आके आपके पैसे, आपको आपके पास लोन है और पैसे नहीं भरे, वो पैसे तो नहीं दे सकता. वो क्या करता है? वो लिसनिंग करता है. एंड वेरी ऑफ्टन जस्ट लिसनिंग टू समबडी, बीइंग अवेलेबल टू समबडी इज प्रोबेबली द बेस्ट थिंग दैट वी ऑल कैन डू एज ले पीपल. यू डोंट हैव टू बी प्रोफेशनल फॉर दैट. जस्ट पेइंग अटेंशन, गिविंग टाइम. योर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू कैन गिव समबडी हु इज फीलिंग सुइसाइड इज गिव योर टाइम एंड लिसन टू देम. सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स वी ऑल कैन डू, यू नो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रोफेशनली कुछ कर सकते हैं. देर आर लॉट्स ऑफ स्टोरीज ऑफ सक्सेस. एब्सोल्युटली करेक्ट. नो, बट वेयर विल दे शेयर इट? सी आई विल टेल यू हाउ इट इज. आप अगर प्लेन से ट्रैवल करते हो, ठीक है, तो आप वो फीडबैक फॉर्म कब भरते हो? जब आपको कोई शिकायत हो तो ही भरते हो ना. ऐसे कितने लोग फीडबैक फॉर्म भरते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छी सर्विस मिली. तो पीपल गिव फीडबैक ओनली व्हेन दे हैव अ कंप्लेंट. सो सिमिलरली विद सुइसाइड प्रिवेंशन, ऑल द सक्सेस स्टोरीज नोबडी ब्रिंग्स, बिकॉज इफ द गाय हैज नॉट डाइड बिकॉज ऑफ सुइसाइड, एंड देर इज सो मच स्टिग्मा अराउंड सुइसाइड इन आर कम्युनिटी, नोबडी वॉन्ट्स टू देन स्पीक अबाउट इट. नो, आप समझ रहे हो? अगर मुझे सुइसाइड लगा था और मुझे कोई मदद मिली और मैं ठीक हो गया और मैंने नहीं की सुइसाइड, तो मैं क्यों जाके पूरी दुनिया को बोलूँ ना कि मैं सुइसाइड था लेकिन डॉक्टर दाश की मदद से मैंने कुछ नहीं किया? मैं नहीं बोलने वाला ना. तो सक्सेस स्टोरीज आती ही नहीं है आगे. सक्सेस स्टोरी आएगी कैसे? जैसे फीडबैक फॉर्म कौन भरता है? कंप्लेंट वाला ही आदमी फीडबैक फॉर्म भरता है, सही है ना? आपने कितनी बार फीडबैक फॉर्म भरा है सेइंग बहुत अच्छी सर्विस मिली मुझे, 5 out of 5? नहीं होता. सो दैट इज द रियल प्रॉब्लम. सो आई थिंक समवेयर अलॉन्ग द लाइन ना, मीडिया हैज टू कीप दैट इन माइंड, दैट व्हेन यू रिपोर्ट दी स्टोरीज, रिमेंबर दैट यू आर ओनली गेटिंग द नेगेटिव स्टोरीज, दैट द पॉजिटिव स्टोरीज आर नेवर कमिंग टू यू. लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाओगे ना, अभी धीरे धीरे बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था लेकिन मुझे मदद मिली और मैं सेव हो गया. लेकिन उसमें कोई सेंसेशनल है नहीं ना. आदमी बच गया, उसमें आपको लगता है इसमें क्या बताना है, मर गया तो कुछ बताने जैसा है. सो द प्रॉब्लम इन मीडिया ऑल्सो फोकस इज ऑन द सेंसेशनल बिट, नॉट ऑन द पॉजिटिव बिट. देर आर सो मेनी ग्रुप्स, सुइसाइड प्रिवेंशन ग्रुप्स नाउ विच आर टॉकिंग अबाउट देयर ओन स्टोरीज, कि मैं कैसे खुद को सपोर्ट कर सका, मैंने दोस्त को कैसे सपोर्ट किया, कैसे सुइसाइड नहीं हुई. लेकिन ये सब रिपोर्ट होता ही नहीं है क्योंकि उसमें कुछ सेंसेशनल नहीं है, मज़ा नहीं आता है ना उसमें रिपोर्ट करने में. क्या हो गया, अरे आदमी बच गया तो क्या रिपोर्ट कर. देर इज लॉट्स ऑफ डेटा. आई टेल यू वॉट इट इज. देर इज लॉट्स ऑफ डेटा, बट इट इज नॉट डेटा इन द वे द NCERB डेटा इज, फॉर द सिंपल रीजन
हाउ डू यू कलेक्ट डेटा व्हेन समबडी इज सेव्ड? हाउ डू यू कलेक्ट? यू टेल मी ना, एज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम. आदमी बच गया तो मैं डेटा कैसे कलेक्ट करूँ? बच गया इसका डेटा कहाँ से आएगा? मर गया तो डेटा मुझे मिल सकता है, बच गया का डेटा तो मिलने वाला नहीं है. बट एनेक्डोटली अगर आप लोगों से बात करो, सी अटेम्प्टेड सुइसाइड्स हमारे देश में ना, जितने अटेम्प्टेड सुइसाइड्स होते हैं तो अटेम्प्टेड सुइसाइड्स हमारे देश में सुइसाइड की रेट से एनीवेयर बिटवीन 4 times to 20 times रहते हैं. तो आप अगर समझो कि 1.5 लाख सुइसाइड्स हर साल हो रहे ना, तो उसके 20 times अटेम्प्टेड सुइसाइड्स होते हैं, यानी लोगों ने जान लेने की कोशिश करी है लेकिन मर नहीं गए. तो 1 out of 20 इज डाइंग. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? 1 out of 20 पीपल हु विल अटेम्प्ट सुइसाइड इज प्रोबेबली डाइंग ऑफ सुइसाइड. द रिमेनिंग 19 out of 20 पीपल आर नॉट डाइंग. सो द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट डाई बिकॉज ऑफ सुइसाइड एक्चुअली हाई देन द नंबर ऑफ पीपल हु डाई बाय सुइसाइड. कॉज इज नॉट अननोन एज ही सेज, एंड द इशू कहीं की कोला से काहे की कोलाडा इट इज अ सेपरेट साइकोलॉजिस्ट दरकार, साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी दरकार. See the, but let's be very clear. For almost every suicide, there is no single cause. Okay? Yeah. There is a lot of so you have to understand that suicide is a pathway from a long. You know, so for example, I'll give you an example. एक example आपको उदाहरण की तरह देता हूँ कि अगर बच्चों में ना childhood abuse हुआ हो, physical abuse or sexual abuse, तो उनको बड़े होने के बाद depression का risk बढ़ता है. Okay? और जिनको डिप्रेशन है ना, उनको आगे चल के सुइसाइड करने का रिस्क बढ़ता है. और जिनको डिप्रेशन है ना, उनको फिजिकल और डोमेस्टिक वायलेंस होने की शक्यता ज़्यादा रहती है. और जिनको डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है ना, उनके सुइसाइड रेट हाई है. तो मैं आपको एक पाथवे बता रहा हूँ कि कैसे होता है. तो इसमें आप कौन सी चीज़ को कॉज बोलेंगे? आप चाइल्डहुड अब्यूज़ को कॉज बोलेंगे, आप डिप्रेशन को कॉज बोलेंगे, आप डोमेस्टिक वायलेंस को कॉज बोलेंगे, या आप किस किस चीज़ को कॉज बोलेंगे? तो मेरा आपको मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक ये मतलब ये हो गया इसलिए सुइसाइड हो गया, ऐसा होता नहीं है. इसके पीछे बहुत लंबी चेन रहती है और इट्स अ पाथवे. आप समझ रहे हो, जैसे एक पाथवे है जहाँ से आप सुइसाइड पे पहुँच जाते हो. और उस टाइम में, उस समय में, उस व्यक्ति के ज़िंदगी में कुछ तो होता है तो सुइसाइड हो जाती है. तो ये जो आप सिंपलिस्टिक सॉल्यूशन लगाते रहते हो कि इसने सुइसाइड क्यों किया, ओ उसको कुछ उसके अफेयर हो गए, या इसने सुइसाइड क्यों किया तो उसको किसी ने डांटा, ये आप अर्थ निकाल रहे हो. ऐसा सचमुच होता नहीं है बहुत बार. माई इशू इज ना कि हम पुलिस पे सुइसाइड प्रिवेंशन, पहली चीज तो ये है कि सुइसाइड सी बट द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, आई टेल यू व्हाट इट इज, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ होमिसाइड, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ क्राइम इज द पुलिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुइसाइड शुड एक्चुअली बी अ पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज नॉट अ क्रिमिनल इशू, नो, इट इज अ पब्लिक हेल्थ इशू. सो वेन यू डू, इफ इट इज अ पब्लिक हेल्थ इशू एंड इफ पब्लिक हेल्थ बॉडीज वर कलेक्टिंग द डेटा, they would pick up the right kind of, they would do the right kind of investigation. There are tools, as Dr. Dash said, psychological autopsy is a way of being able to do that investigation, as you said. Police psychological autopsy kahan se karengi? Police to public health nahi hai, wo law enforcement wale hai. सबसे पहले आप लोगों से सबसे विनंती है कि सुइसाइड प्रिवेंशन ये हम सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है जितनी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? और अगर हमको सुइसाइड प्रिवेंशन में कुछ करना है तो सुइसाइड आज हम यहाँ पे प्रोग्राम जो कर रहे हैं उससे कल उड़ीसा के सुइसाइड कम नहीं होने वाले, ठीक है ना? तो सुइसाइड प्रिवेंशन में सुइसाइड्स अगर हमको कम करने हैं तो वी नीड अ सस्टेन्ड पीरियड ऑफ वर्क. हम 6 महीना, साल भर, 2 साल भर कुछ करेंगे उसके बारे में तो उसके 2 साल बाद सुइसाइड रेट्स कम हो जाएंगे. देर इज अ लैग इफेक्ट. ओके, पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ है कि हमको सबको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है. मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सुइसाइड में. और मीडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल मुझे लगता है कि अगर आप लोगों को सुइसाइड प्रिवेंशन के बारे में थोड़ा सा एजुकेट करो तो अच्छा रहेगा. तो सबसे पहले मीडिया कर सकती है कि जो सुइसाइड रिपोर्टिंग की गाइडलाइंस है वो फॉलो करिए, पब्लिक को एजुकेट करिए.
अगर आपको सुइसाइड प्रिवेंशन में सचमुच इंटरेस्ट है ना, तो उसके बारे में एक दिन नहीं लिखना, उसके बारे में रेगुलरली लिखो। और जैसे ये भाई साहब कह रहे थे ना, उसमें सक्सेस स्टोरीज भी लिखो। देर विल बी मेनी पीपल इन द कंट्री इन ओडिशा हु हैव सर्वाइव्ड अ सुइसाइड अटेम्प्ट, विल बी हैप्पी टू टॉक टू यू इफ यू गो अप एंड डू दोज स्टोरीज। द माई रिक्वेस्ट टू द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इज टू डेवलप अ सुइसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, यू नो, एन इंटरसेक्टोरल सुइसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी इज द फर्स्ट स्टेप टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ सुइसाइड। बट आई थिंक मैं क्यों कह रहा हूँ इंटरसेक्टोरल ना, क्योंकि ये सुइसाइड प्रिवेंशन सिर्फ सरकार का काम नहीं है, सुइसाइड प्रिवेंशन हम सबका काम है, आपका भी काम है, मेरा भी काम है, एवरीबडी। अनलेस ऑल ऑफ अस गेट इन्वॉल्व इन इट ना, वी विल नॉट रिड्यूस सुइसाइड्स। तो अगर डाटा प्रॉपर होगा ना, तो हमको पता चलेगा, फॉर एग्जाम्पल, कौन सी मेथड से इस एरिया में सुइसाइड ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम उसके बारे में कुछ कर सकते हैं। अगर डाटा बेटर होगा तो हमको पता चलेगा कि कौन सा ग्रुप, जैसे अगर हमको पता चले कि उड़ीसा में ना स्टूडेंट्स ज़्यादा सुइसाइड कर रहे हैं, तो हम एम्फोसिस बच्चों पे ज़्यादा डालेंगे ना सुइसाइड प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजी में। अगर हमको पता चले कोई और एरिया में फार्मर्स ज़्यादा सुइसाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा एम्फोसिस फार्मर्स पर रहेगा सुइसाइड प्रिवेंशन के लिए। तो अच्छे डेटा से क्या होगा कि हम उस तरफ उस जगह राइट सॉल्यूशन करते रहेंगे, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, बस करते रहो सब कुछ और कुछ होने वाला नहीं है।